दिल्ली में खुजली वाला गैंग का आतंक देखा जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये खबर आप लोगों के लिए ही है। दिल्ली में खुजली वाला गैंग एक्टिव नजर आ रहा है, गैंग के कई वीडियो सामने आए हैं। खुजली वाला पाउडर डालकर चोरी करता है ये गैंग, पुलिस की गिरफ्त में गैंग के सदस्य, ये बड़ी और अहम जानकारी आप सभी के लिए। दिल्ली में खुजली वाला गैंग का आतंक देखा जा रहा है, गैंग के कई वीडियो भी सामने आए हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुजली वाला पाउडर डालकर ये जो गैंग है ये चोरी करता है, पुलिस की गिरफ्त में गैंग के सदस्य, तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में खुजली वाला गैंग का आतंक, गैंग के कई वीडियो सामने आए हैं। खुजली वाला पाउडर डालकर ये जो गैंग है ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है गैंग के सदस्य। ये जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दो तीन दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें सदर बाजार की वीडियो थी और उस वीडियो में दिख रहा था कि एक शख्स वहां के एक आदमी पे कुछ पाउडर डाल रहा है, उस पाउडर की वजह से उस आदमी को इरिटेशन हो रही है, कुछ खुजली हो रही है और उसका ध्यान भटक रहा है। जैसे उसका ध्यान भटक रहा है उसके पास जो बैग था उसको वो पीछे से चोरी करके ले जा रहे हैं। इस पूरे मामले में ये जो वीडियो वायरल हो रही थी इसका संज्ञान लिया गया था और इस पर काम करना चालू किया गया था। हमें इस मामले में कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं दी, कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी है, लेकिन हमने जो दो जने थे जो ये काम कर रहे थे उनको पकड़ लिया है। तो ये तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से दुकान में ये जो गैंग है ये घुसता है और खुजली होने लग जाती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कहां स्कूटी के पास खड़े हुए हैं, वहां पर भी इसी तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पहली वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये इस गैंग में दो सदस्य हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन इस गैंग के बारे में उन्हें पता चल गया था, जिसके बाद तो चलिए अपराजिता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अपराजिता, किस तरीके से ये गैंग एक्टिव हुआ, फिलहाल पुलिस बता रही है कि इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बिल्कुल, देखिए सर, उसका अगर बात की जाए इस गैंग की तो काफी सक्रिय होता है नजर आ रहा है आजकल, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो काफी नई कोई गैंग नहीं है, 10 साल पहले भी ये काफी सक्रिय था, काफी एक्टिव मोड में था। हालांकि अगर पहले की बात करते हैं, जिस तरीके से अभी तस्वीरें सामने आ रही है, पहले सीसीटीवी फुटेज नहीं हुआ करता था जिसकी वजह से तस्वीरें सामने नहीं आ पाती थी। अब क्योंकि सीसीटीवी कैमरे बहुत ज्यादा है, वजह से तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से क्या चीजें की जा रही है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो गैंग है वो काफी सारे होते हैं, यानी अगर एक जगह की मैं बात करती हूँ, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे होते हैं, यानी अगर बात की जाए तो एटीएम जैसे जगहों पे रहती है। कहा जा रहा है कि सदर बाजार के पास ये जो गैंग के लोग रहते हैं, तो सबसे पहले तो कोई इंसान अगर एटीएम से पैसे निकाल कर आ रहा है या फिर किसी के पास काफी सारे सामान है तो थोड़ी देर उनका पीछा करते हैं, उसके बाद वहां पे उनके गैंग के काफी सारे लोग होते हैं। एक कोई पाउडर उनके कपड़े में डाल, कपड़े के अंदर डालता है, जिसकी वजह से इतनी तेज खुजली होती है और जिसकी वजह से वो जो सामान जो भी चीज है वो अपना आपा खो देते हैं, जिसके कारण वो बिल्कुल अपना सामान नीचे रख देते हैं, आपा खो देते हैं और खुजलाने लग जाते हैं, और जिसके उसके बाद से जो उनकी बाकी के कुछ मेंबर्स होते हैं वो सामान को लेकर के तुरंत फरार हो जाते हैं। ये चीजें हो रही है। हालांकि लोगों को इनिशियली ये लगता है कि बारिश का मौसम है, चिपचिप का मौसम है, इसकी वजह से ये खुजली हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो पाउडर स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। वही कहा जा रहा है कि बिल्कुल दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, बाकी को ढूंढा भी जा रहा है। चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल से वो लोग थे और जो पाउडर जो मिलता है उसे कहा जा रहा है कोई घास से वो बनती है, जो पहाड़ी इलाके में वो चीजें बनती है, तो अगर उसको हल्का भी छू लिया जाए तो उसके वजह से बहुत तेज खुजली होती है, खुंसियां फूंदे भी हो जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं काफी 10 साल के बाद भी ये जो गैंग है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, मगर चूंकि सीसीटीवी फुटेज काफी जगहों पर, हर दुकान में हम कह सकते हैं कि हर दुकान दुकान के बाहर सीसीटीवी फुटेज होते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़ में भी आ रहे हैं। जी चलिए अपराजिता, बने रहिए हमारे साथ और भी खबर में जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, दिल्ली में खुजली वाला गैंग का आतंक देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ये कहती नजर आई है कि जो ये गैंग है उसके दो सदस्यों को पकड़ लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि और भी ऐसे कितने गैंग्स हैं, इसमें कितने सदस्य शामिल हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है।